बातें बोली थी सब उनका खंडन कर दिया और उसने ये मान लिया कि मेरा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करें। उसने जो है फिर क्षमा प्रार्थना की। इस प्रकार विषयी व्यक्ति के घर में भिक्षा करने के लिए गए थे। प्रभुपाद जी के जितने भी गण हैं सबका अपना अपना अलग अलग वैशिष्ट है। इनका भी एक वैशिष्ट है, ये इनकी जो है ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा करते थे। हर समय इनकी ऐसी सेवा वृत्ति थी। प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार ये जो है भिक्षा करने के लिए जाते थे। एक समय किसी विषयी व्यक्ति के घर में भिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। उसके घर में जैसे ही घुसे तो उसने मना कर दिया कि आप भाग जाओ यहाँ से, हम किसी साधु वाधु किसी साधु वाधु से हमें कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं आपको गोड़िया मठ के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि हमें मुझे नहीं जानना गोड़िया मठ के विषय में, मुझे कोई मतलब नहीं गोड़िया मठ से। इस प्रकार उसने बहुत कुछ कहा लेकिन ये वापस नहीं आई, ये अंदर चले गए उसके घर में। और घर जा करके उसके घर में सोफे पे बैठ गए, उसने बहुत उल्टा सीधा कहा, बोले आप बिना मर्जी के हमारी बिना मर्जी के घर में घुसे जा रहे हो, ये कौन सा तरीका है आपका। बहुत डांट मतलब डांट फटकार लगाई इस तरीके से। फिर बाद में बोले कि आपकी गोड़िया मठ के प्रति जो भावना है उसी भावना को मैं बदलने के लिए आपके यहाँ पर आए हूँ। आप गोड़िया मठ के बारे में नहीं जानते, उसी लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपको बताने के लिए गोड़िया मठ क्या चीज़ है। इन्होंने जो है उसको कथा सुनाई, गोड़िया मठ के विषय में बतलाया, बहुत शास्त्र सिद्धांत के बारे में बतलाया। इस प्रकार वो इनकी कथा सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद उसने इनको प्रणाम ही देना चाहा, बोले मैं आपके यहाँ से पैसे वैसे लेने नहीं आया, मैं आपको केवल ये बताने आ रहे कि गोड़िया मठ क्या चीज़ है। उसने फिर इनको गाड़ी में लेकर के छोड़ने के लिए गया मठ में। इन्होंने कहा कि आपको जो कुछ देना है हमारे गुरुजी को देना। वो इनको गाड़ी में लेकर के मठ में छोड़ने के लिए गया। वहाँ जाकर फिर ये वापस आ रहा था व्यक्ति। इन्होंने कहा कि एक बार जब तुम यहाँ पर आए हो तो हमारे गुरुजी से मिलकर गए आओ। फिर ये गुरुजी से मिलने साथ रूपा जी से मिलने के लिए गया। वहाँ इन्होंने रूपा जी ने को बहुत कथा अच्छी सुंदर कथा सुनाई और इसकी जो है रूपा जी की प्रति निष्ठा उत्पन्न हो गई। वहाँ रूपा जी को उसने 500 रुपये प्रदान किए और फिर हरिनाम दीक्षा वगैरह भी रूपा जी से लिया। इस प्रकार ऐसी इनकी वृत्ति थी कि भिक्षा के माध्यम से प्रभुपाद जी की सेवा करते थे। एक समय कानपुर में ही गए थे प्रभुपाद जी के और भी भक्त, और भी जो हैं साथ में भक्त थे। एक जिलाध्यक्ष आकर के कहने लगा प्रभुपाद जी से कि आपके जितने भी शिष्य हैं वो शिक्षित हैं और बड़े उच्च कुल के हैं और आप क्या कराते हो, उनसे भिक्षा कराते हो, आप भिक्षा कराने के लिए इनको जो है अपना शिष्य बनाते हो। प्रभुपाद जी को ये जो है बात, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा उससे, क्यों, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, तेरणा दबी सुनी चैन तरो रपी सहिष्णु ना, वो किसी के बात से कोई मतलब नहीं रखते, वो अपनी केवल भक्ति भाव में ही रहते हैं। उसके बाद ये जो है जब साथ में गए थे तो एक कुछ समय के लिए भिक्षा करने के लिए अलग कहीं चले गए थे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी। प्रभुपाद जी ने इनको उस प्रेरणा उस घटना से अवगत कराया। ये उसी समय तांगे में बैठ कर के उस जिलाध्यक्ष के पास गए और बोले कि तुमने जो अपराध किया है ना, उस अपराध के कारण तुम्हारी 14 पीढ़ियों को नरक में जाना पड़ेगा। तुमने ऐसे महाजन के प्रति अपराध किया है, इससे तुम्हारा सर्वनाश अवश्यंभावी है। और वो जो है इतनी बात सुन करके डर गया। और जब डर गया तो कहने लगा कि अब मैं इस अपराध से कैसे बचूंगा, आप कुछ करो। इन्होंने कहा कि ठीक है मेरे साथ चलो, तुम प्रभुपाद जी से क्षमा प्रार्थना कर लेना, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे।
बड़े दयालु होते हैं भक्त भगवान के। इस प्रकार जब इनको लेकर के पहुंचा प्रभात जी के समक्ष, सब बताया कि मेरा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या हैं क्या क्या नहीं। उन्होंने जो है इन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने प्रभात जी के समक्ष कहा कि आप जो है इनको क्षमा कर दीजिए। फिर उन्होंने इनको क्षमा कर दिया और उसने उस जिला अध्यक्ष ने इनको 500 रुपये प्रणामी भी दी। ये 1930 से पहले की बात है और उस समय 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। उस जिलाध्यक्ष ने इनको प्रभात जी को 500 रुपये प्रणामी दिया। महिमा और इनकी जो घटनाएं हैं बहुत अधिक हैं, ऐसी वर्णन करते रहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। अभी गुरुदेव आगे बताएंगे, मैं इतना कह करके इनकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्प दुर्भिष कृपा सिंधु ये चपत्यता नाम पावनी को वैष्णवे भी हो नमो। तुम लोग तो बोलोगे तुलसीदास प्रभु, तुलसीदास आप बोलोगे इनके बाद, आप बोलो उसके बाद। अच्छा इधर आ जाओ, आप बोलो ना, आप बोलो उसके बाद। आप गुरुदेव कृष्ण ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीधरगोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदोपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा जययुक्त हों, जिनकी आज स्थिति है श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी वो भी जययुक्त हों। प्रभुपास पार्षद प्रभुपास जययुक्त हों। यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है पहले जो श्रवण किया उसे ही दोहराने के लिए। पिछली बार मैं बता रहा था जहाँ पर मैंने छोड़ा था कि परीक्षित महाराज जी ने जो श्राप है उसको ग्रहण किया और विश्वनाथ चक्र ठाकुर पाद जी ने बताया कि किस प्रकार जो परीक्षित महाराज जी जो हैं वो जो ये शमिक ऋषि का जो श्राप है श्रृंगी ऋषि का उसको निरस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार किया और अनशन व्रत धारण कर शुकताल में आश्रय लिया गंगा जी के तट पर। वहां पर अनेक ऋषि मुनि चले आए, बहुत सारे हजार हजार 88,000 ऋषि मुनि वहां चले आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि। तो यहाँ पर बताया था कि परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि अरे ये श्राप नहीं है तो वरदान है। क्यों? क्योंकि जीवन में एक ही संत का दर्शन और थोड़ा सा साधु संघ की इतनी महिमा है और मुझे तो यहाँ इतने सारे साधुओं का दर्शन मिल रहा है
उनका संग प्राप्ति हो रही है। इसलिए परीक्षित महाराज जी जो है वो अपने सौभाग्य को बार बार धन्य धन्य कह रहे हैं। फिर हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार ये जो साधु हैं ये क्यों घर घर जाते हैं। हम सुनते हैं ना, महद विचलनाम निर्णाम गृहनाम दीन चेतसाम, कि जो साधु हैं जो महत्पुरुष हैं ये घर घर जाकर के भगवान का उपदेश देते हैं, भक्ति करने का शिक्षा देते हैं। पर ये किसकी आज्ञा से देते हैं? ये भगवान की आज्ञा से ही घर घर जाते हैं और ये सब कार्य को करते हैं। जैसे हमारे गुरुवर्ग हैं वो सभी कितने समय से हम देख रहे हैं, महाप्रभु के बाद से अभी आज तक भी समस्त गुरुवर्ग घर घर जा करके किसी ना किसी माध्यम से सबके घर में सबके सब तक पहुंच करके एक ही बात बोलते हैं, क्या करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो सुनो हरिदास, अमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश। महाप्रभु ने कहा था कि सुनो नित्यानंद और सुनो हरिदास, जाओ मेरी आज्ञा को सर्वत्र प्रचार करो। उस ही आज्ञा को लेकर के ये समस्त गुरुवर्ग घर घर जाकर के भगवान के नामों का प्रचार करते हैं। और घर घर जाकर के क्या बोलते हैं, समस्त लोगों को बोलते, देखो भैया अनाचार छोड़ो और भगवान का भजन करो। कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन, पति अच नाम हट जीवेर कारण। यही बोलते हैं ना, घर घर जाके क्या बोलते हैं, अनाचार छोड़ो और भगवान का भजन करो। और क्या है सर्वधर्म सार, क्या बताया, जीवे दया और कृष्ण नाम। इस प्रकार जो परीक्षित महाराज जी जो है वो बड़े ही अपने आप को धन्य बोल रहे हैं। उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि अरे भाई अगर कोई मरणासन्न व्यक्ति हो उसे क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है। तब वहां सभी अनेकानेक उपाय बताते हैं जिनसे संतुष्ट ना हो करके जो परीक्षित महाराज जी जो है वो मन ही मन हृदय से पुकार करके भगवान को प्रार्थना करते, बोला हे प्रभु ये जो समय आ रहा है, ये जो कलयुग है, इसमें केवल एकमात्र आपका नाम ही सबसे बड़ा साधन है, आपकी भक्ति सबसे बड़ा साधन है, आपकी कथा ही सबसे बड़ा साधन है। इसलिए आपकी कथा ही श्रवण करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि अंतिम समय में आपकी ही कथा मेरे कानों में प्रवेश करे और मेरा ये शरीर का अंत हो। जब इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी चले आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो हैं परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अनेक अनेक प्रश्न वहाँ पूछते हैं। जिसको सुन, ये सब बातें पिछली बार बताई थी, जिसको सुन करके जो सुखदेव गोस्वामी हैं, यहाँ से द्वितीय स्कंद आरंभ होता है, प्रथम स्कंद की कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। द्वितीय स्कंद के आरंभ में जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो परीक्षित महाराज जी के प्रश्नों को सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, वर्यानेश ते प्रश्न कुतो लोकहितम निपह आत्मविसंबंध पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। हे परीक्षित महाराज, आपने जो प्रश्न पूछे हैं ये पूरे जीव मात्र के कल्याण के लिए हैं, जीव मात्र के कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि ये सर्वकालीय प्रश्न है, हर समय के लिए हर प्रकार के जीवों को इन्हीं प्रश्नों द्वारा हृदय में शांति प्राप्त होगी। और ये जो आपका जो मोह, जो आपका जो ये कष्ट है, मोह है, ये कुछ है नहीं। जैसे अर्जुन का जो विषाद है, जो हम गीता में सुनते हैं कि अर्जुन जो है वो दुखी होकर के शोक विषाद ग्रस्त होकर के मार रथ के पीछे बैठते हैं और कृष्ण से शिष्यस्त्याम शादी माम त्वाम शरणम प्रपन्ना कह करके भगवान से अनेकानेक प्रश्न करते हैं और भगवान उत्तर देते हैं। देखने में तो लगता है कि ये अर्जुन का विषाद है, लेकिन नहीं, वो जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न वहां पे अर्जुन जी पूछते हैं और कृष्ण जीव मात्र को लक्ष्य करके अर्जुन के माध्यम से समस्त प्रश्नों के उत्तर वहां पर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो परीक्षित महाराज जी जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते हुए वो कहते हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निनाम संति सहस्त्रशः। यहाँ पर कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित महाराज, ये जो जीवन है मनुष्यों का ऐसे ही बीतता चला जा रहा है। सारा दिन घर गृहस्थी की चीजों में, सुबह से लेकर शाम तक आटा दाल चावल, और गधे की तरह मेहनत करने पर भी वही चीज प्राप्त होती है जो बिना मेहनत करने पर प्राप्त आसानी से हो जाती है। जैसे गधा है, बोला ना, गधबेर मत आमी करी परिश्रम, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, बोला जो गधा होता है वो सारे दिन परिश्रम करता है, सारे दिन परिश्रम करके शाम को सूखी घास ही खाता है।
और जो आवारा गधा घूम रहा है जंगल में वो भी सूखी घास ही खाता है, तो इसका इतना मेहनत करने का क्या फल हुआ? कोई भी फल नहीं, सब व्यर्थ है। तो ठीक इसी प्रकार जो सारा समय जो हमने जो ये संसार की चीजों में लगा दिया और अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। और ये जो मनुष्य जन्म, ये इतना अनमोल ये मनुष्य जन्म है, उसको पा करके भी हम इसको वृथा गवा देते हैं। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूल नभस्व तेरितम पवान भवाब्दीम ना तरेत सात्महा। फिर भी अगर कोई तरने का प्रयास ना करे तो आत्मघाती है। मनुष्य जन्म पा करके किस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए? जैसे हमारे जो वेद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत का सूत्र है, ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करने आए थे, क्या करके जा रहे हैं, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं के आमी और कोथाय छिलाम की करीते एखान एलाम की वा काज करे गेलाम और कोथा जाबो शरीर पतने। ये सारे प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए कि भाई मैं कौन हूं, के आमी और मैं कहाँ था, अभी यहां हूं, पहले नहीं था तो कहीं ना कहीं तो था, क्या कारण से यहां पर आया हूं, क्या करके जा रहा हूं और मरने के बाद ये शरीर का क्या होगा, क्या गति हमारी होगी। इसको शिल भक्ति को संत गोस्वामी महाराज जी ने कीर्तन में लिखा, आमी छीलाम कोथाए एलाम एखन कोथा जाबो भाई। बड़ा अच्छा वो कीर्तन, उसमें भी यही सब बातें बताई कि हम कहाँ थे। अगर ये प्रश्न मन में नहीं आते, इस प्रकार के प्रश्न अगर मनुष्य जन्म पाकर के मन में नहीं आए तो फिर वो मनुष्य नहीं, फिर वो दो पैर पे चलने वाले पशु के ही समान है, धर्मेण ही ना पशु भी समान, इस प्रकार बताया। और यहाँ पर बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य मात्र का जो समस्त जो समय है वो दिन में दो कार्य और रात में दो कार्य करते करते ही बीत जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करने आया था और क्या करके जा रहा हूं। दिन में दो कार्य क्या, अपना जो भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण करना और पैसा आदि कमाना, और रात में शयन करना और भोग आदि करना, दिन के दो काम और रात के दो काम, बस इसी में सारा समय चला गया। ये समस्त जो क्रिया है ये तो जानवर भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुवीर नराणाम धर्मो ही तेषा मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर हम भी वही कार्य करते हैं तो पशु में और हमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। इस प्रकार कहते हुए जो परीक्षित महाराज जी जो हैं, जो सुखदेव गोस्वामी जो हैं, वो परीक्षित महाराज जी से कहते हैं कि देखो जो जीव है, कितने आश्चर्य की बात है, जो देह पुत्र कलत्र आदि को सब कुछ मान करके सारा जीवन उसमें लगा देता है और अंत में कोई भी साथ नहीं देता, और हम हमारे ही आंखों के सामने देखते हैं कि हमारे ही जैसा दूसरा व्यक्ति मारा गया और कुछ भी साथ में नहीं गया, लेकिन फिर भी क्या आश्चर्य है, कि हम आश्चर्यम क्या आश्चर्य है, हमारे अंदर में फिर भी ज्ञान उपस्थित नहीं होता, प्रकाश ही नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी से यक्ष ने प्रश्न किया कि बताओ ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जब प्रश्न किया था ना, जब सारे पांडव वहां मूर्छित हो गए थे, जब एकमात्र युधिष्ठिर महाराज जी गए थे, उन्होंने ही सारे यक्षों के प्रश्नों के उत्तर दिए थे और समस्त पांडवों को जीवन दान दिलवाया था। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अनि अनि सर्वभूतानि गच्छन्ति यम मंदिरे, बोला धीरे धीरे देखो सब के सब क्या कर रहे हैं, भगवान के उसमें चले जा, क्या हो गया ठीक, सब क्या यम मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के सब यम महाराज के द्वार पे चले जा रहे हैं, सब मरते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये हमें कितना आश्चर्य की बात है, हम नहीं सोचते कि हमारे साथ में भी ऐसा ही होगा। थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य होता है, जो शमशान वैराग्य जो हमने पहले सुना था, कुछ देर के लिए शमशान वैराग्य आदि होता है, लेकिन बाद में फिर से वही स्थिति हो जाती है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि ये जीव जो है ये क्यों नहीं सोचता कि हम भी कभी मरेंगे, ये एक प्रश्न है ना, जीव के मन में ऐसा क्यों नहीं आता हम क्यों नहीं मरेंगे। हमने पहले श्रवण किया, गुरुदेव ने बताया था कि जो ये जीव है ये क्या है, सतचित आनंद सनातन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी होने के कारण उसके अंदर है कि मैं हमेशा के लिए सदैव के लिए हूं, क्योंकि जीव है ना अंदर, आत्मा तो अविनाशी है, इसलिए वो शरीर पे भी इसी चीज को आरोप करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए सारे जीवन को चलाता है, इग्नोरेंस तमोगुण, यही सबसे बड़ा जो दोष है जिसको। यहाँ पर एक बात और बताई कि क्या करना चाहिए, यहाँ पर द्रौपदी एक बात बताती है उत्तरा को बताते हुए, कहते हैं देखो एक ही मात्र चीज आपको स्मरण होनी चाहिए, एक ही चीज स्मरण होनी चाहिए हर समय,
जीवन में कोई भी समय हो, विपत्ति का समय हो, हर्ष का समय हो, जो भी समय हो, हर समय भगवान को ही हमें स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि अंत समय मर कोई भी काम नहीं आता, केवल भगवान ही वहां पर काम आते हैं। भगवान का नाम ही साथ जाता है, भक्ति साथ जाती है, और सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। आगे परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि तस्मात, जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात सर्वात् तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवान हरि भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य चिताभयम्। बोला हे परीक्षित महाराज, अगर जीवन में अभय प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। ये सब बताते हुए यहाँ पर तीन वस्तुओं का यहाँ पर प्रयोग, तीन प्रकार से भगवान की जो भक्ति होती है, तीन प्रकार से जो लोग हैं वो भगवान की ओर बढ़ते हैं, हरि भगवान और ईश्वर। हमने श्रवण किया था किस प्रकार ज्ञानी योगी और भक्त हैं। भक्त जो है वो भगवान को हर समय जो है स्वरूप मान करके और भगवान की भक्ति करते हैं, रामकृष्ण आदि की भक्ति, ये हमने सब श्रवण किया था। फिर आगे बताया था यह नाम की महिमा बताते हुए, जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो परीक्षित महाराज जी को कहते हैं, ये बड़े है अच्छा श्लोक है, इसमें कहते हैं एतद निर्विद्य माना नाम। उन्होंने बोला था ना कि जीव मात्र का क्या कर्तव्य है, तो यहाँ पे बता रहे हैं एतद निर्विद्य माना नाम इच्छता मकुतो भयम योगी नाम निपनिर्णित हरि नामानुकीर्तनात्। कि जो समस्त जो योगी मुनि जिन्होंने सब अनुसंधान करके बताया कि जो भगवान अगर कोई पाना चाहता हो, भगवान से अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता हो, तो एकमात्र जो सबसे सरल और सबसे साधा सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली अगर कोई उपाय है तो वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम यहाँ पर है। फिर यहाँ हमने नाम की महिमा सुनते सुनते बोला था कि ये नाम की इतनी ज्यादा महिमा क्या है, जो बोला ना जैसे नाम करो नाम करो, क्यों? क्योंकि यहाँ देश काल पात्र का कोई भी विचार नहीं है। ये देश काल पात्र से ही हम अनुमान लगाते हैं कि वस्तु किस प्रकार की है। देश, क्योंकि नाम ग्रहण करने में किसी भी देश स्थान का कोई कोई वहां पर नहीं है, कहीं पर भी रह करके गृह था को वन था को सदा हरि बोले डाको कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे देश हो विदेश हो, भारत हो या भारत के बाहर, हर जगह ही नाम फल देने वाला है। और फिर काल, इसका कोई काल भी नहीं है, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। और पात्र, कोई जाति कोई वर्ण किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, हर एक व्यक्ति भगवान का नाम कर सकता है। जिसको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने द्वितीय श्लोक में बताया शिक्षा अष्टकम के, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। बोल महाप्रभु कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम है, जैसे गोविंद माधव आदि नामों में समस्त शक्तियों को भगवान ने वर दिया है, और इसको ग्रहण करने के लिए भी कोई उपाय नहीं रखा है। ग्रहण ने रखिल नाही काल विचारा, तुया दया एखन परम उदारा। बोल रहे हैं कि प्रभु ने जो है दया करके इतना सरल कर दिया है साधन, लेकिन फिर भी अगर हम भजन नहीं करते तो कहते अतिशय मंदनात भाग्य हमारा। ये प्रभुपाद ने भी अंतिम समय यहाँ पर इस जो प्यार है इसको लिया था। तो यहाँ पर जो भगवान का जो नाम है उसको ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी नाम की महिमा बताई है रामायण के अंदर में। तुलसीदास जी कहते हैं भाव हो नहीं हो, क्रोध हो आलस हो, कैसा भी हो, अगर भगवान का नाम करेंगे तो वो फल देने वाला ही होता है हर समय में। तुलसीदास जी कहते हैं भाव कु भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, कहो कहाँ लागी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम न सकही नाम गुण गाई, भाव भाव हो या ना हो, कुभाव चाहे दूसरा भाव हो, बोल अनख आलस क्रोध हो या आलस हो, किसी भी समय में हम भगवान का नाम करने पर वो मंगलदायक ही होगा। इस प्रकार नाम की अनेक महिमा है। अभी मैं यहीं पर ही रख देता हूँ, अगली बार जब बोलेंगे, जब मैं यहीं से फिर पुनः प्रयास आरंभ करने का प्रयास करूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराधितम श्री श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणति यापन करता हूँ। उपस्थित श्री महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणति यापन करता हूँ। श्री प्रभु जी के चरणों में और समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी का आदेश है बोलने के लिए, तो मैं अपने भागवत के ही जो प्रसंग में चल रहा हूँ कि द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशरा दोगी व्यासव्या कलया हरे। एक समय की बात है, महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सरस्वती के गर्भ से श्री भगवान के कला अवतार वेद व्यास जी का अवतार हुआ था। एक समय वो बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे, कहाँ पर, नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे पर बड़े दुखी अवस्था में बैठे थे। और उसी समय जो है तो नारद जी कैसे हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए, वो हर समय भगवान का कीर्तन करते घूमते रहते हैं, कीर्तन करते करते वहीं पर जाकर सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। और जब पहुंचे तो पहुंच करके देखा तो वेद व्यास जी बड़े दुखी हैं। उनके दुख को देख करके उन्होंने पूछा कि आप जो है इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो। उन्होंने बताया कि हे गुरुदेव, मैंने जो है तो बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, 17 पुराणों की रचना मैंने करी, इसके बाद ही मैं जो है तो सुखी नहीं। तो देखो कहीं ना कहीं दुख से ही जो है तो वहाँ पर क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम का जो है तो रचना हुई। ऐसे ही रामायण की भी रचना हुई है। जब वाल्मीकि जी जा रहे थे तमसा नदी के तट पर, देखा कि एक जो है तो बहेलिया ने क्या किया, एक पक्षी को मार दिया, अर्थात पुरुष जो जाति का पक्षी था उसको मार दिया, और स्त्री वियोग में रो रही थी कि हाय मेरा पति मर गया, अब मेरे बच्चों को मुझे कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। उस दुख को देखकर कि जब वाल्मीकि जी भी दुखी हुए थे, उसी दुख के समय नारद जी वहाँ भी पहुँचे, वहाँ भी जाकर के 100 श्लोक सूत्र रूप में दिए और जाकर के श्री 24,000 श्लोकों से श्री रामचरितमानस का जो है निर्माण हुआ, रामायण का, राम, हाँ, श्री रामायण जी का। जब ये जाकर के वेदव्यास जी बोले कि मैं तो गुरुदेव बड़ा दुखी हूँ, तब वो जाकर के नारद जी अपना जो है तो इतिहास सुना रहे हैं कि आपने सब कुछ तो लिखा लेकिन भगवान की जो है तो कैसे लीलाओं का वर्णन नहीं किया, भगवान के जो ब्रज की लीलाएं हैं उनका आपने वर्णन नहीं किया। परम गुरुदेव बोलते थे कि उन्होंने सब कुछ वर्णन किया था लेकिन जो ब्रज की लीलाएं थी, जो भगवान कैसे कृष्ण जो है तो खेलते हैं, कैसे ब्रज में लीलाएं करते हैं, उनका वर्णन नहीं किया था, इसलिए श्री वेद व्यास जी जो है तो दुखी थे। तब उन्होंने, नारद जी ने क्या किया, अपना पूर्व इतिहास उनको सुनाना चालू किया था कि मैं जो है तो पूर्व जन्म में क्या था, मैं दासी पुत्र था और साधुओं की सेवा करके जो है तो मैं, मेरे हृदय में, क्योंकि जो साधुओं का उचिष्ट क्या करता, जैसे भगवान के लिए होता है ना कि तो भुक्त श्री गंधवासो अलंकार चर्चिता, कि भगवान का उचिष्ट पान करने से जो है तो हम क्या करेंगे, माया पर जय कर जाते हैं लोग। ऐसे ही यदि कोई गुरु वैष्णव का उचिष्ट प्रसाद पाता है तो वो भी क्या करता है, माया पर जय कर लेता है। कहते मैं उनके प्रसाद को पा करके जो है तो जब वो जाने लगे और जाते जाते जब मुझे बोले कि आप यहीं पर रहो और अपने घर को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि माता जी तुम्हारी हैं, उनकी सेवा करो, वर्णाश्रम धर्म को जो है तो पालन करते हुए तुम आगे फिर जो है तो समय आने पर तुम्हारा भगवान व्यवस्था करेंगे। कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये कैसे हुआ, नारद जी का कह रहे हैं कि, नारद जी बता रहे हैं कि ये सिर्फ किससे हुआ, भक्तों का संग करने से हुआ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
कहते हैं कि सिर्फ ये जो भगवान कैसे करते हैं व्यवस्था, साधु के संग से ही भगवान की जो है तो भक्ति साधक के हृदय में प्रवेश होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक साधु संग नहीं करेंगे तब तक जो है भगवान की हमारे हृदय में भक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो कह रहे मैं इसी तरह उनके जो है तो उनके जूठन को खाते हुए, उनका आदेश पालन करते हुए जो है तो मैं जीवन यापन करने लगा। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरे, भजन न पक्को अथ पते तत्तो यदि, यत्र क्वाव भद्रम मुस्यम किम वार्थम आप्तो अभजताम स्वधर्म। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन न करके अर्थात अपने माता पिता को छोड़ करके यदि वो भजन करने चला जाता है और भजन करते करते सिद्धि अवस्था को भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके पहले ही वो शरीर छूट जाता है या उसका पतन हो जाता है, तो भी भगवान कहते हैं वो कभी भी उसको उसका कुछ भी अहित नहीं होगा, उसका कल्याण ही होगा, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में है और ठीक ठीक रूप से वर्णाश्रम अर्थात धर्म का पालन भी कर रहा है, यदि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ, भगवान के प्रति उसकी भक्ति नहीं हुई, तो कहते हैं भैया वो किस काम का वर्णाश्रम धर्म। धर्म सोनिष्ठाम पुंसाम भिक्षक सेनु कथासुया न उत्पादेद रति श्रम एव ही केवलम। कि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करे और यदि भगवान के प्रति उसकी भक्ति नहीं हुई, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो कहते हैं वो वर्णाश्रम धर्म किस काम का। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को क्या किया नारद जी ने, अर्थात अपनी माता जी की सेवा करते करते जो है तो वहीं पर जीवन यापन करने लगे। आगे बता रहे हैं वेदव्यास जी को कि देखो एक समय की बात है, मेरी माता जी गाय धोने के लिए गई और रास्ते में उनको सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात उनका मैंने जो क्रियादाह संस्कार किया, जो भी होता था उन्होंने किया और करके मैं जो है तो उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। और कैसे गए, कहते थे जिस वन की ओर जा रहे थे वहां पर भीषण भीषण शेरों का झुंड और सांपों का झुंड, हमें तो एक सांप दिख जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे थे जो है तो नारद जी, और देखो नारद जी झुंड के झुंड सर्प उनके बीच में जा रहे हैं, शेर चीते भीषण भीषण जंगल। इसके बाद क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको शरीर में आसक्ति नहीं थी। हम लोगों की क्या है आसक्ति, शरीर में इतनी आसक्ति है कि जरा से कुछ हो जाए तो हमें दुख होता है, लेकिन वो नारद जी क्या थे, शरीर धर्म से ऊपर उठे हुए थे, उनके हृदय में जो है तो क्या थी, भक्ति थी। भक्ति के कारण से ही जो है तो वो बाहर रूप में वो कहीं कुछ भी देख नहीं रहे थे कि कहाँ सर्प हैं कहाँ शेर हैं। और कहते मैं जा करके जब आगे पहुंच करके एक जगह मैं थक गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठ करके मैं थोड़ा सा, नदी थी बता रहे तालाब था, वहाँ मैंने पानी पिया। पानी पी के थोड़ा सा मेरी प्यास बुझी, क्योंकि चलते चलते वो थक गए थे। और इसके बाद बैठ करके भगवान का उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करते करते उनको थोड़ा सा भगवान के जो दर्शन हुए, और उस दर्शन से जो है तो जब आँख बंद कर दर्शन कर रहे तो उन्हें थोड़ा सा दर्शन हुआ, और उसी दर्शन में फिर इसके बाद क्या हुआ, भगवान उसके नैन गोचर हो गए, उनको दिखाई नहीं पड़े। इसके कारण से क्या हुआ, नारद जी बड़े दुखी हुए। अब वो रोने लगे कि हाय हाय वो दर्शन कब हो, दोबारा कैसे जो तो मैं करूँ। यहाँ पर ये करके दिखा रहे हैं साधक के लिए, साधक को भी ऐसे चेष्टा करनी पड़ेगी जिस तरह से नारद जी ने क्या किया, बार बार उसको चेष्टा किया देखने के लिए कि वो सीन वो दर्शन मुझे फिर से हो। ऐसे ही जब कोई साधक, लेकिन फिर बताते हैं नारद जी को जो है तो आकाशवाणी हुई, फिर बोले नारद जी से कि हे नारद, इस जन्म में तुम्हें इतना ही होगा और अगले जन्म में फिर तुम्हें आगे दर्शन होंगे। यहाँ पर हमें नारद जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि देखो एक नए साधक को हमें क्या करना चाहिए, गुरु वैष्णव की बार बार सेवा करनी चाहिए, बार बार निरंतर करते रहने से क्या होगा, उससे भगवान जो है तो प्रसन्न होंगे, और फिर अभी नहीं तो किसी न किसी जन्म में हमारा जो है तो भगवान कल्याण करेंगे। और इतना कह करके वेद व्यास जी तो वहीं रहे और नारद जी अपने मस्ती से फिर
चले गए, वीणा बजाते हुए मस्त हो गए। और नारद जी और वहीं पर वेद व्यास जी अब जो है बैठ करके भगवान का ध्यान किया। आगे कथा फिर कहीं बोलेंगे। वांछा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधु देवचा पत्ता नाम पावन वैष्णव्यो नमो नमः। कल आप दोनों कहते हाँ, निताई बोलेगा, निताई बोलो क्या बोलोगे। निताई तैयारी होकर गया लेकिन चांस नहीं हो रहा। ओम ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, आज हमारे श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव महामहोत्सव है। अभी हमारे मधुकंठ पर कुछ बता रहे थे, मैं थोड़ी सी बोल देता हूँ। कहती ये भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, कहती ये उच्च ब्राह्मण घर में इनका जन्म है। और इन्होंने बता रहे थे ना प्रभुपाद के पास में, वो आए कैसे, ये रेलवे में कोई ऑफिसर में का ऑफिस कोई ऑफिसर थे, लेकिन उनसे भी एक बड़ा ऑफिसर था। ये दोनों कभी मायापुर दर्शन करने के लिए आए और मायापुर दर्शन करते हुए जब आए उसी समय में ठाकुर जी का शयन हो गया था। अभी बड़े धूप से आए, जब धूप में आए अभी उनको भूख भी लग रहा है, भूख लग रहा था। तो इतने में हमारे यहाँ पर बहुत शिक्षा देते हैं ब्रह्मचारियों को कैसे सेवा करनी चाहिए। जब बड़ा धूप था, भूख भी लग रहा था और किसको तो जानते नहीं, हमें यहाँ कोई भोजन करवाएगा, लेकिन कैसे हम अगर किसी को भूखे व्यक्ति को कभी कभी प्रसाद दे सेवा करें, मतलब कितने जल्दी भक्ति में आ जाते हैं, ये चीज़ को उन्होंने दिखाया। और प्रसाद में कितने शक्ति है, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज समझ गए। उनका नाम था विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, एकदम धूप में आए हैं और चलते चलते उस समय कोई हैं अभी जैसे जैसे रिक्शा में चले जाते, टोटो में चले जाते, कुछ था नहीं, चलते चलते आए और देख कर समझ गए मुँह सूख रहा है, हैं मुँह सूख रहा है, बोले लगता है आप भूखे हो, एक काम करो ठाकुर जी का तो शयन हो गया, प्रभुपाद विश्राम कर रहे हैं, अब एक काम करो जो स्नान करके आओ। जब स्नान के लिए गए, गुरुदेव ये बात बोलते थे, तो उन्होंने क्या किया, चावलों को उन्होंने चढ़ा दिया, एकदम फटाफट चावलों को चढ़ा दिया, हाँ लकड़ी से, और उन्होंने आलू चार पांच आलू छोड़ दिए और जो मूंग दाल एक कपड़ा में बांध करके उसमें छोड़ दी एक साथ में, और एक साथ में सब चीज़ हो गया, चावल भी हो गया, दाल भी सिद्ध हो गई और आलू सिद्ध भी हो गया। इतने में उन्होंने दाल को फटाफट छोंक दे करके, बस दाल छोंक दे दिया तो दाल हो गया, और उन्होंने कुछ आलू को उन्होंने जैसे चोखा होता है ना, चोखा में सरिस तल दे करके आलू चोखा बना दिया, और आलू तो सिद्ध हो गया था, फटाफट छोंक मार करके आलू दम बना दिया, एकदम एक गर्म गर्म चावल और उसमें थोड़ा घी डाल दो, बस हो गया, उसमें घी डाल दो चावल में और दाल हो गया, आलू चोखा हो गया और आलू दम, आलू की सब्जी, इतने
ठाकुर जी को भोग लगाया तुलसी पता से चकाचक तैयारी। अगर भूखे व्यक्ति को बंगाली को बंगाली चावल खाते हैं, अरे आलू सीधा अगर मिल गया तो भगवान मिल गए, और दाल मिल गया तो राधा राम मिल गए, अरे आलू दो मिल गया तो महाप्रभु मिल गए उनको, और एक साथ में, और इतने जल्दी देख करके इतने प्रसन्न हो गए, और भूखे थे दोनों। फिर उन्होंने ठाकुर का दर्शन, फिर प्रभुपाद का दर्शन, प्रभुपाद से कथा सुनकर, देखो किसकी अगर हम सेवा करते हैं वो कितने संतुष्ट हो जाते भूखे अवस्था में। तो उन्होंने बोले है हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, मैं महीना में हर महीना में 5-5 रुपया आपको मैं चांदा दूंगा, और उनको साथ में जो बड़ा ऑफिसर था बोले मैं 1 रुपया दूंगा। लेकिन उसमें 1 रुपया भी वो कीमत था, और 5 रुपया का तो बहुत ज़्यादा कीमत था। अभी ये दोनों धीरे धीरे मंदिर में आने लग गए, देखो किसको सेवा करने पर कितना होता है लाभ है। दोनों धीरे 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 मंदिर में आने लग गए, प्रभुपाद की कथा सुनने लग गए। जब प्रभुपाद की कथा सुने तो प्रभुपाद बोलते थे लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहुसंभवान्ति, ये जीवन भगवान बारंबार नहीं देते हैं, बड़े भाग्य से ये जीवन मिलता है, इसलिए क्या कर बोले तृणम, तृणम मतलब जितने जल्दी से जल्दी हो, इसलिए कल कर सो आज कर और आज कर सो अब, जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन में लग जाओ, प्रभुपाद ये बोलते थे। लेकिन जब ये तैयारी होते थे मंदिर में आने के लिए, लेकिन मंदिर का जो ब्रह्मचारी ना बोलते तो अभी मत आओ, कुछ दिन बाद में आना। बोले ये क्या, प्रभुपाद कहते जितने जल्दी से जल्दी प्रभु का भजन करो, लेकिन ये कहते नहीं कुछ दिन बाद में आओ, ये क्या चक्कर है, हैं? एक दिन उन्होंने पता लगाया ये क्या बात है, उन्होंने पता लगा करके देखा ये जो महीना में 5 रुपया देते हैं ना, उसी समय 5 रुपया की बड़ा कीमत था, वो 5 रुपया में 1 महीना की खर्चा चलता है 5 रुपया से। ब्रह्मचारी लोग सोच रहे हैं अगर ये सब छोड़ करके मंदिर में आ जाएगा फिर 5 रुपया कौन देगा, फिर मंदिर का खर्चा कैसे चलेगा। इसलिए ब्रह्मचारी लोग क्या बोलते थे और कुछ दिन रुक जाओ, हैं? लेकिन प्रभुपाद बोलते जितना जल्दी से जल्दी प्रभु का भजन में लग जाओ। ये बात जब उनको पता चला ना, बोले अब लोग मंदिर चलने के लिए कोई चिंता मत करो, जब मैं मंदिर में आऊँगा ना 5 रुपया मैं भिक्षा करूँगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। उन्हें सब छोड़ करके मंदिर में आए, और मंदिर का जो वैभव, पहले जब मेरे गुरुजी कहते थे पहले कैसे भोजन करते थे, और जो आए थे ना बहुत बड़े बड़े घर के, मेरे गुरुदेव तो जमींदार घर के थे, भक्ति प्रज्ञानी केशव गोस्वामी महाराज जमींदार घर के थे, और जितने प्रभुपाद का गण देखोगे ना सब बड़े बड़े जमींदार, बहुत उच्च शिक्षित, तो बड़े बड़े जमींदार घर के थे, साधारण घर के थे नहीं, भक्ति रखे सिद्धार्थ गोस्वामी बड़े जमींदार भक्ति एकदम आधव गोस्वामी महाराज, कैसे भोजन करते थे जानते हो, बड़े दीनहीन होकर के। उस समय चावल खाने के लिए बहुत कठिन होता था, जो सजना का जो साग है ना, अरे चावल में मिला, चावल मिला करके उसको एक साथ में बनता था, कभी कभी पत्ते भी नहीं हुआ ना फ्लोर को अच्छी तरह से पोंछ करके उसमें भी डाल करके खा लेते थे, हैं? केले पत्ते में बहुत साधारण रूप में, मेरे गुरुदेव कहते जो सजना डंठा है ना, मेरे गुरुदेव बड़े बहुत बहुत धनी घर के थे, हैं? इसलिए जो सजना डाटा कभी जिंदगी में खाए नहीं, कहते जब खाता तो मेरे को बदबू आता था, खाया नहीं जाता था, और लोग बोलते हैं प्रसाद है, फेंकना नहीं ये प्रसाद है, इसको फेंकना नहीं ये महाप्रसाद है। इसलिए ऐसे ऐसे, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, जैसे हमारे गोस्वामी लोगों ने क्या किया, गोस्वामी लोग राजा घर के, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी राजा घर के, लेकिन उनका राज महल से ला करके रहते थे कहाँ पर, पेड़ को नीचे। लेकिन अभी क्या स्थिति है, हमको पेड़ को नीचे से ला करके मंदिर में राजमहल को अंदर में रख दिया, इसलिए भजन नहीं हो रहा है। पहले जो कठोर किया ना, जब हम पहले पहले मथुरा में आए, हम सोच नहीं सकते थे मथुरा में रात भर नींद नहीं आती थी, मथुरा जो मठ था छत था ना, वो छत के ऊपर में दिन में हम बोरे बोरे से पानी भिगा कर रख देते थे, रात को सोने के लिए थोड़ा ठंडा लगेगा, लेकिन उसको नीचे से भाप निकलता था, और उधर से होते हुए चलता था ट्रक, और एक ट्रक जाए ना पूरा मंदिर हिल जाती थी, हाँ भारी भारी ट्रक जाता था। महाराज भी हमारे भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज बड़े कठोर तपस्या की, कोई अगर फैन चलाए ना रात में आकर फैन को बंद कर देते, कहाँ से पैसा आएगा, बिल कौन भरेगा, बिल कौन भरेगा, गुरुदेव आकर फैन बंद कर देते रात को, हैं? एक फैन भी, और इतनी गर्मी है भगवान, जब मैं पहला साल आया तो मेरे नाक से खून बहने लग गया, यहाँ गर्मी में इतने, हैं? इसलिए
हाँ, इसलिए तुम लोग भी ना जैसे फ्यान चल रहा है, चल रहा है, कोई देखने वाले नहीं, इसका जो पेमेंट भर रहे हैं सबके सब, परमेश्वर ऊपर पैसा दे रहे हैं, ऐसे नहीं, बाबा जी महाराज से पैसा दे रहे हैं, इसलिए बिना कारण के लाइट फैन एजबास आए, बिना कारण यहाँ के जल रहा है, यहाँ के चला कर अपनी एक के लिए यहाँ पर चला गया, उधर फैन कहीं चल रहा है, चल रहा तो चल रहा है, कुछ चला कर कोई चला गया, चल रहा है नहीं, हाँ हाँ बेड गोबर ना बेड गोबर छोटा सा पंखा लगा दिए, हाँ इसलिए पहले ना इन लोगों ने बड़े कठोर साधन भजन किया, साधन भजन करने के नाते उनका फल भी बहुत बढ़िया फल उनको प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसे। लेकिन गौड़ीय मठ का जो वैभव है, जो वैभव किसने बढ़ाई, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने ही ये वैभव सर्वप्रथम इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने सबसे बड़े जो गौड़ीय मठ में जो भिक्षा में सबसे बड़े ये भिखारी थे, जो नहीं देते थे उससे भी पैसा निकाल करके ले आते थे, बड़े बड़े रानी को पास में चले जाते थे, किसने देने के लिए बोल करके मना कर दिया है, मना कर दिया तो बोले नहीं 5,000 रुपया आपको जोनी बार देना पड़ेगा, क्योंकि पहले बोला देने के लिए अब फिर मना कर रहे हो नहीं देने के लिए, 5,000 रुपया जोनी बार देना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे करके पैसा निकाले। एक समय ये और भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज दोनों चले गए भिक्षा के लिए किसी सेठ के पास में, और उनका जो भाषा है ना तेलुगु भाषा, कोई ये दोनों नहीं समझते, तब इन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज बोले देखो मैं एक काम करूँगा, तुम आपके एक काम करना, मैं अपना जो त्रिदंडी संन्यास दंडा उनका सर पर लगाऊंगा। आप बोलेगा नहीं 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 नहीं, हाँ मैं उनका सर पर डंडा लगाऊंगा, बोले नहीं 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 नहीं, देखो आप पैसा निकाल देंगे। सचमुच तो इतने कंजूसी व्यक्ति था, एक पैसा जिनसे निकलना नहीं था उससे भी 500 रुपया निकल करके लेकर आ गए, उस समय 500 रुपया का बड़ा कीमत था, इसलिए इनको प्रभुपाद ने आदेश दिया क्या, जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा होगी है, ब्रजमंडल परिक्रमा, अभी ब्रजमंडल परिक्रमा से 5 लोग आएंगे, बंगाली भक्त आएंगे, कितना एक महीना के लिए आएंगे ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए, इनको भेज दिया जाओ ब्रजमंडल परिक्रमा जाएगी, प्रभुपाद को इनके ऊपर विश्वास था, भिक्षा के लिए व्यवस्था करना, खाने पीने रहने के लिए व्यवस्था करना। अभी प्रभुपाद का आशीर्वाद लेकर के आए, आकर के होली गेट देखे कि नहीं, होली गेट मथुरा में होली गेट पास में गए, और बड़े बड़े सेठ लोग चावल की बिजनेस, तेल दाल वो मथुरा के बड़े सेठ लोग है, वहाँ पर गए, ये तो बड़ी अच्छे लिखे बड़े लोग थे ना, शिक्षित लोग थे, इन्होंने एकदम कोट बूट पहन करके टाई लगा करके और हाथ में एक रजिस्टर ले लिया है, रजिस्टर लेकर इनकम टैक्स के ऑफिसर का उन्होंने ड्रामा किया, बोले कापी निकालो कि आपका टैक्स भर, पहले तो कोई टैक्स नहीं देते थे, बोले टैक्स भरते कि नहीं, निकालो कापी दो, कापी निकालो, बोले कितना दिन से आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, आपको इतना लाख रुपया जुर्माना है, जुर्माना। अभी ये खबर है ना सारे दुकानदार में चला गया, इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर आया, अभी एकदम लंबे चौड़े देखने में थे हैं, एकदम कोट बोट पहन कर गए हुए थे, और पूरा हल्ला हो गया दुकान में, बहुत बड़ा इनकम टैक्स का ऑफिसर आया है, वो सबको इनकम टैक्स का खाता में भरते कि नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अभी तो सब कहाँ फूटे, कोई इतना नहीं भरते, कहाँ फूटे, अभी क्या होगा क्या होगा, सबके सब वहाँ पर लोग आकर इकट्ठे हो गए, जब इकट्ठे हो गए बोले बाबूजी माफ़ कर दो, हैं बाबूजी माफ़ कर दो, जब उन्होंने क्षमा प्रार्थना मांगने लगे सब डर गए, इतने में फिर उन्होंने बोले इनकम टैक्स का मैं ऑफिसर है ही नहीं, मेरे को मेरे गुरुदेव आ रहे हैं बंगाल से 500 लोग लेकर के ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए, इसलिए मैंने इसकी ड्रामा की है, मेरे को कुछ दाल चावल चीनी तेल चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब इतना बोले मथुरा के लोग स्वाभाविक रूप में हम भक्तिभाव लोग हैं, भगवान की भक्ति करने वाले, और ये लोग दानी लोग हैं, सेठ लोग दानी होते हैं, बढ़िया लोग दानी होते हैं, इसलिए जब इसे सुने ना बोले गुरु जी आप कोई चिंता मत करो, हम पूरा एक महीना की दाल चावल चीनी और तेल सब के सब हम व्यवस्था कर देंगे एक महीना की, अब कोई चिंता मत करो, बस बोरी के बोरी हाँ चावल दाल घी, बस एक दिन नहीं आधा घंटा में एक महीना की 500 लोगों का भिक्षा को उन्होंने इकट्ठ कर ली, पूरा की पूरा इकट्ठ कर ली, मतलब ऐसे उन्होंने भिक्षारी ऐसे भिक्षा करते थे। पहले मायापुर में जहाँ पर चैतन्य गौड़ीय मठ है,
उस समय तो बड़ा दयनीय स्थिति थी, लेकिन इन्होंने भिक्षा करने के लिए आए, भिक्षा करने के लिए आके एक ट्रक है चावल दाल चीनी तेल एक ट्रक उन्होंने प्रभुपाद नाम पर लिख करके एक ट्रक मायापुर में भेज दिया। जब भेज दिया चैतन्य गौड़ी मठ का नाम पर ट्रक वहाँ पर गए, बोले यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कौन है, बोले हाँ इनका मठ चैतन्य मठ, बोले ये है, बोले एक ट्रक दाल चावल चीनी आया है इसको रख लो। कभी मठ के लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कभी एक ट्रक दाल चावल कहीं आएगा, कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, कभी सोच नहीं सकते थे। बोले हाँ ये मंदिर ये घर ये मंदिर के आसपास में किसी का हो पता लगा लो। तब उन्होंने आसपास में पता लगाया, पता लगा था, बोले नहीं चैतन्य मठ तो एक ही मठ है, प्रभुपाद देखी है, कोई उसको उतारने के लिए हाँ तैयार नहीं। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, जोर जबरदस्ती सारे दाल चावल मठ में उतार करके वो ट्रक चला गया, ट्रक चला गया। ऐसे उन्होंने भिक्षा ऐसे करते थे ये महापुरुष है, इसलिए इन्होंने आकर के वैभव बढ़ाया। देखो कैसे कृपा करते थे, जब ये प्रचार करने जाते थे बड़े ठाठ बार से, ऐसे नहीं, उस समय कार में बैठने वाले साधारण व्यक्ति कार में नहीं बैठते थे, लखपति उस समय जो लखपति भी साधारण नहीं था है, लखपति ये लोग कार में बैठते थे, साधारण लोग कार नहीं नहीं बैठते थे कार में, ये जब जाते थे ना कार की ये किराया ले लेते थे और बढ़िया एकदम पहन करके धोती कुर्ता पगड़ी बांध करके और हाथ में एक डायरी लेकर के ये जाते थे, एकदम ठाड़ बाड़ से भिक्षा करने के लिए जाते थे। तब उन्होंने भिक्षा करने के लिए गए, देखा एक बहुत बड़ा ऑफिस बना हुआ जिसमें 100-100 लोग काम कर रहे, तो इन्होंने वहाँ पर चले गए। जब चले गए वो उनका विदेश से सब फोन, विदेश से फोन आता था और फोन के द्वारा सब काम करते थे और बड़े बहुत बड़ा जमींदार था वो व्यक्ति। इतने में जब उन्होंने गए तो इन्होंने गए तो बोले आपसे मैं थोड़ी समय बात करना चाहता हूँ, बोले मेरे पास में कोई बात करने का समय नहीं, लो जितना पैसा लो ले लो, भिक्षा लो और जाओ। बोले हमें भिक्षा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हमें तो थोड़ी समय आपसे हम बात करना चाहते। बोले मेरे पास में बात करने का कोई समय नहीं, अब देख रहे हो कितना बड़ा बिजनेस है हाँ, कितना फोन आ रहे विदेश से इधर उधर से, मेरे पास में कोई समय नहीं। इन्होंने बोले जब आपके पास में कोई समय नहीं कथा सुनने के लिए, हम आपका पैसा को स्वीकार नहीं कर सकते। इन्होंने स्वीकार नहीं किया, वहाँ से चले गए। जब चले गए फिर एक दो साल बाद में फिर उधर से होते हुए जा रहे थे। जब जा रहे थे सोचा दो साल एक साल पहले आया था बिजनेस में आन, उस पास को कोई समय नहीं था और एक बार एक चक्कर लगा कर चले जाता हूँ। जब वहाँ पर आए ना ऑफिस में देखा पूरा ऑफिस ही खाली, कोई है ही नहीं ऑफिस में। बोले भैया एक दो साल पहले ये बड़ा टहल चल मचा हुआ था और अभी कोई एक व्यक्ति भी दिख नहीं रहा है। जब ऑफिस के घूम घार कर देखा खाली, जो उत्तर से हुए जा रहे हैं ना उस देखा फुटपाथ में एक व्यक्ति कुछ कपड़ा लेकर के फुटपाथ में बैठ कर कपड़ा बेच रहा है। तो वो व्यक्ति ने कहा आप किसको ढूंढने के लिए गए थे? बोले मैंने एक साल पहले आया था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन था हैं, बिजनेसमैन था और मैंने उनसे कुछ हरिकथा बोलना चाह रहा था लेकिन वो बहुत बिजी थे इसलिए वो हरिकथा सुने ही नहीं। वो क्या हो गया ऐसे खाली कैसे हो गया? बोले वो व्यक्ति का लाल बत्ती जल गई, पूरा बिजनेस उसकी खत्म हो गई। बोले वो जो दीवाना बन गया दीवानी और वो जो व्यक्ति था मैं स्वयं मैं वो जो था ना वो अफिसर और जो सेठ था मैं ही था, मेरा लाल बत्ती जल गई। उसी समय में क्या बोलना चाह रहे थे, मेरे पास में समय था ही नहीं सुनने का, अभी मेरे पास में बहुत समय है, आप आसन देख रहे बैठा या उनको बैठा करके बोलो, अभी उस समय क्या बोलना चाहते थे अभी सुनाओ, अभी मैं सुनना चाहता हूँ। देखो एक साधु का अगर कृपा हो जाए ना, साधु लोग साधारण लोग क्या समझेंगे, ये कोई कृपा है, इसका लाल बत्ती जल गई कहते ये कोई कृपा है, कहते इनकी ये सही कृपा है, इनको ये सही कृपा हुई। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जस्य अहम अनुगृह्णामि हरि से तद धनौ शनैः, मैं जिसको पर मैं सही कृपा करता हूँ ना उसका सारे आसक्ति का वस्तु को मैं नष्ट कर देता हूँ, सारे धन दौलत को मैं खत्म कर देता चाहता हूँ हैं, जिसको पर मैं सही सही कृपा करना चाहता हूँ। ये भगवान खुद किसको कह रहे हैं, भगवान इंद्र को ये बात कह रहे हैं, जिसको पर कृपा करता हूँ सब कुछ मैं हड़प लेता हूँ। जब हड़प लेता हूँ फिर वो क्या करता है, दो बार फिर खड़ा होता है बिजनेस करने के लिए,
भगवान कहते हैं अगर मैं इसको पर सही सही कृपा करना चाहता हूँ, एकदम वो बिजनेस का बीच में दो बार खड़ा हो जाता हूँ और वो जो बिजनेस करना चाहता है उसको एकदम करने में नहीं देता हूँ। क्यों? मैं उसको अपनाना चाह रहा हूँ, संपूर्ण के संपूर्ण मैं अपना भजन में लगाना चाहता हूँ। सामने एकदम बीच में खड़े होकर के सारे मनोरथ को मैं निष्फल कर देता हूँ। जब निष्फल कर देता हूँ फिर क्या होता है? फिर कब तक ये दुनियादारी परिवार रहेंगे? बोला अब कैसे है? बोले जब तक जेब में पैसा है, पैसा गन और तुम कौन? इसलिए जब देखते हैं उसके पास में कोई पैसा वैसा नहीं, फिर सारा दुनिया के लोग एक एक करके पीछे हटना शुरू कर दे। उसके पास में माल ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इससे बात करें क्या होगा? दूर से देखेंगे ना, ए भैया कोई पैसा नहीं मांगे, अपना रास्ता को है अपना रास्ता बदला देते हैं। इसलिए बोले यहाँ पर बैठो और हमें कथा सुनाओ। फिर उन्होंने कथा सुनाया है, फिर समझाया ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कैसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान जीव को जीवन में साधु दर्शन होता है, गुरु जी को प्राप्त होता है। फिर उन्होंने बताए ये जीवन कितना दुर्लभ है, ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति भजन करनी चाहिए। फिर उनको ला करके प्रभुपाद को पास में लाए, फिर प्रभुपाद से दीक्षा मंत्र दिलवाया, फिर उनको पूरा के पूरा भगवान के भजन में इनको लगा दिया। ये ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसको पर कृपा हो गई ना, पूरा कृपा कर देते हैं। हाँ ये पूरा कृपा कर देते थे। इसलिए कहते ये जो महापुरुष थे, कहते इन्होंने हैं किस समय प्रचार करने के लिए गए, ये और भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज दोनों प्रचार करने के लिए गए काशी में। कोई एक बहुत बड़ा संस्कृत पंडित है, धुरोधन पंडित है, उनको घर में जो भिक्षा करने के लिए गए। उसी समय प्रभुपाद जिस समय प्रचार कर रहे थे, सारा दुनिया में थर 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 सारा दुनिया कांप रहा था, टहलका मचाए हुए प्रभुपाद, क्योंकि उन्होंने जो दैव वर्णाश्रम को स्थापन किया है, दैव वर्णाश्रम किया है, जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम पुंसांग वर्णाभिव्यंजकम जत अन्यत्रापि दृश्यते त्वनैवम विनिर्दिश्यते हैं। इसलिए जत जत लक्षणम प्रोक्तम पुंसांग वर्णाभिव्यंजकम, भगवान कहते ना चतुर्वर्ण मैया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग स, भगवान के जो मैंने जो चार वर्णों को मैंने स्थापन किया है कैसे, कहते गुण और कर्म से, वो जन्म से नहीं बताया उन्होंने, गुण कर्म से उन्होंने बताया, उन्होंने जन्म से नहीं बताया उन्होंने, उनको गुण कर्म से पहले निरूपण होता था। जैसे भागवत में आता ना ऋषभ देव का जो 100 बेटे थे, हाँ उसमें 9 तो नव जोगेंद्र हुए, 81 जन व्यक्ति हो गए कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, और नवर जोगेंद्र उससे हुए और भरत आदि कुछ क्षत्रिय हुए। इसलिए किस है उनको गुण से, उनको गुण से हुए हैं, जन्म से नहीं। पहले जाबाल सत्यकाम जब गुरुजी गृह में आए, गुरुजी ने बेटा बेटा तू वेद पढ़ना चाहता हूँ, बताओ तेरे पिता माता का क्या परिचय है, किसका बेटे हो तुम? तो उन्होंने सीधा माँ के पास में गई, बोले माँ गुरुजी पूछते हैं तुम क्या वर्ण जाती है तुम्हारी क्या है, मैया बता दो। मैया सीधा बोल दी, देखो बेटा मैंने ना बहु पुरुषों को मैंने सेवा की, ब्राह्मण हम मैंने बहु ऋषि मुनियों का सेवा किया है, अभी तो किससे औरत से हुआ ना मैं ठीक से बता नहीं पाता है। लेकिन वो सीधा आकर के गुरु जी को ये बात बोल दिया, कोई बोल सकता है गुरु जी को मेरे माता जी का कोई ठीक नहीं किससे हुआ मैंने, कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन इसने आकर के सीधा गुरु जी को बोल दिए, मेरे मैया ने ये बात बताई, बोले तू ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण के बगैर ये बात कोई सच कोई बता ही नहीं सकता है, इसलिए तेरे अंदर में ब्राह्मण का गुण है, इसलिए तू ब्राह्मण वेद पढ़ सकते हो है। इसलिए जब उन्होंने प्रभुपाद जिस समय दैव वर्णाश्रम को स्थापन किया है, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर आए, सब अलग अलग जात के आए हैं, सब अलग अलग जाते हैं, लेकिन गुरुदेव ने हमें क्या दिया, दीक्षा मंत्र के द्वारा उन्होंने जन्म उपनयन संस्कार कराया है, एक दक्ष सावित्री जन्म और एक है शौक्र जन्म है। इसलिए हमें गुरुदेव ने दीक्षा मंत्र दिलवाया, दीक्षा मंत्र से यज्ञ करके क्या किया उन्होंने, हमें मंत्र के द्वारा शुद्ध करके उन्होंने जन्म दिया। और पहले ये ठाकुर को पूजा कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे, ब्राह्मण के सिवाय ये ठाकुर को सेवा पूजा कोई नहीं कर सकते थे, केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव क्या किया, साधारण
हम लोग जो वैश्य घर के, कोई क्षत्रिय घर के, अलग अलग जाति का आए, लेकिन गुरुदेव ने हमें दीक्षा मंत्र दे करके ठाकुर की सेवा में नियुक्त किया। उसी समय में इतने टहलका मचा हुआ था, ये प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ये शूद्रों को भी जन्हेऊ दे करके उनको भी ठाकुर की सेवा में लगा रहे हैं। और उसी समय ब्राह्मण का बड़े दापट था, दापट समझते हो, बड़े प्रभाव था, बड़े आधिपत्य प्रभाव था, लेकिन उस समय पूरा दुनिया में टहलका मच गया था, प्रभुपाद ऐसे कर रहे। इसको पहले प्रभुपाद के बाद में ना, जो नवद्वीप में एक गोपेंदु व्यक्ति, वो जात गोसाई, बहुत ब्राह्मण घर के कोई हैं, जब प्रभुपाद के बाद में भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जब उन्होंने देवानंद गौड़ीय मठ स्थापन किया, वो कभी वहाँ पर आए थे, हमारे महाराज बोल रहे थे, आकर के भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को बोले बोले तुम्हारी जो गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो काम किया ना, अभी तक दुनिया में ये काम कोई नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाए, बोलते थे अभी तक किसी की इतना हिम्मत नहीं हुआ दूसरे जातियों को दीक्षा मंत्र दे करके, जनेऊ दे करके उनको ठाकुर की सेवा में लगाया, अभी तक कोई आचार्य ये काम नहीं कर पाए जो तुम्हारी गुरुदेव प्रभुपाद ने जो काम किया, और कितने संघर्ष किया, उनको 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 जान से मारने के लिए खत्म की गई, कोशिश की जान से मारने के लिए। फिर विदेशी लोग जैसे, वो लोग तो गोमांस खाने वाले, बरने से पूरा बाहर है, भारत में तो बरने बाहर, उनको भी दीक्षा मंत्र दे करके, जनेऊ दे करके उनको भी ठाकुर की सेवा में ये प्रभुपाद ने किया है। इसलिए जब इन्होंने ये दोनों गए थे भिक्षा के लिए, जब गए थे बड़ा विद्वान, वो काशी में पंडित है, धुरधर पंडित है, जो विद्यालय ना विश्वविद्यालय है वहाँ वहाँ के प्रोफेसर है, जब ये दोनों ब्रह्मचारी गए, देखा तिलक कंठी माला, बोले कहाँ से आए, बोले प्रभुपाद मंदिर से। ओ प्रभुपाद जो शूद्र को भी जनेऊ पहना देता है, हैं, शूद्र को भी जनेऊ पहना करके ब्राह्मण उसके आए हो तुम लोग हैं, और जो जगत में भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं, लेकिन ये तो हाईग्री हमारे माधव गोसाई भक्ति माधव गोसाई मारे थे, भक्ति सीधा ये भक्ति सारक गोसाई मारा, जब ये बात को बोले ना, क्या उन्होंने उनको उत्तर दिया है, हैं, क्या उन्होंने उनको उत्तर दिया है, तब उन्होंने सारे भागवत वेद पुराण से उन्होंने उठा उठा करके उन्होंने उन्होंने जो उत्तर दिया है, बोले बताओ, शास्त्र में जो बताए जितने ऋषि मुनि हैं, कोई एक ब्राह्मण घर से है, वशिष्ठ किया ब्राह्मण घर से है, विश्वामित्र किया ब्राह्मण घर में जन्म लिए, जावाल सत्यकाम किया ब्राह्मण घर में जन्म लिए, जितने ऋषि ऋषि सिंह मुनि, कोई ब्राह्मण घर के, कोई भी एक ब्राह्मण घर के नहीं, इनका जीवन देखो एक भी कोई ब्राह्मण घर के नहीं, ये कोई नहीं थे, लेकिन ये सब के सब बड़े बड़े ब्राह्मण थे। बोले क्यों, बोले जस्य जत लक्षणम प्रक्तम पुंसांग वर्णाभिभंजकम जत अन्यत्र भी दृश्यते त्वनिव बिंदिर दृश्यते, इसलिए लक्षण को अगर और कहीं भी ये गुण दिखाई पड़ता है, महाभारत कहते हैं शूद्रे च भवेत एतत् लक्षणम द्विजे तत् न विद्यते नैव शूद्र भवेत शूद्र ब्राह्मण ब्राह्मण न च, अगर ब्राह्मण को अंदर में अगर शूद्र गुण दिखाई पड़ता है वो शूद्र है, अगर शूद्र को अंदर में अगर ब्राह्मण गुण दिखाई पड़ता है ब्राह्मण है। उनने कितने श्लोकों को, उन्होंने भागवत गीता पुराण से इतने श्लोकों उन्होंने उदाहरण दिया ना, वो जो बुढ़ा ब्राह्मण था थर 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 कांपने लग गया, इतने उन्होंने उत्तर दिया, इतने में उसको पत्नी ने आकर बोली बूढ़ा मर नहीं जाए भैया, तुम लोग चुप रहो चुप रहो ये बूढ़े मर नहीं जाए, इसलिए मतलब ऐसे धीरे धीरे पंडित प्रभुपाद के जब परिक्रमा आया ना, ये जो देवालय मंदिर में घुसने नहीं दे रहे थे, तो बोले प्रभुपाद ने सब सूत्रों को जनेऊ दिया तुम घुसने नहीं देंगे, लेकिन ये जो हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज माधव गोस्वामी महाराज भक्त सब अच्छे अच्छे ब्राह्मण घर के थे, इन लोगों ने उत्तर जो दिया, बोले उनको जितना गोस्वामी यहाँ पर जो मंदिर है, तब उन्हें अपना परिचय वाले जानते हो, ब्राह्मण अभी छोटे बड़े होते हैं, बोले हमारे परिवार के लोग जो पेशाब करते हैं ना, तुम्हारी जो परिवार के लोग उसको ढक ढक करके पीते हैं, जानते हो, उनको परिचय दिया, अमुक ब्राह्मण जाति का हमें, अमर अमुक वंश का ब्राह्मण घर का हमें, और तुम लोग अमुक जाति का ब्राह्मण हो, हम पेशाब को तुम लोग पीते हो, हम ऐसे व्यक्ति प्रभुपाद का चरण आश्रय करते हुए उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, तुम्हारी बात, और प्रभुपाद को अंदर में जाने नहीं देते हो। उनने जो ऐसे ऐसे उत्तर दिया ना, तो राज बोले जा भैया अंदर में जा, मतलब इन लोगों ने जो प्रभुपाद को जो सेवा किया ना, वो अद्भुत अद्भुत रूप में प्रभुपाद की सेवा की। बोले भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की, गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे।